मेवाड़ के आसपास स्थित पहाड़ियों पर कई शक्तिपीठ स्थापित है। इनमें कालिका माता, उठला माता, अंबिका माता, इढ़ाना माता, आसावरा माता, बिजासन माता, झांतला माता, जोगनिया माता, भादवा माता, आंतरी माता और चामुंडा माता को प्रमुख शक्ति पीठों में माना गया है। इनमें से एलवा माता सिद्ध शक्ति पीठ का स्थान चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम पंचायत डुंगला की एलागढ़ नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ माँ एलवा का भव्य और विशाल मंदिर गढ़ के रूप में निर्मित है। यह स्थान हरियाली से भरपूर एक रमणीय स्थान है। इस मंदिर के ऊपर चढ़ने पर बहुत ही विहंगम नजारा देखने को मिलता है। भक्त भी यहाँ पहुँचने के बाद अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो देश भर से कई श्रद्धालु यहाँ अपनी मन्नत पूरी होने पर रात्रि जागरण और प्रसादी आदि करते हैं। यह मंदिर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। एलवा माँ को हिंगलाज माई का दूसरा रूप माना जाता है। ये स्थान डुंगला बड़ी सादड़ी रोड पर डुंगला से 2 किलोमीटर तथा बड़ी सादड़ी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर करीब 800 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर में एलवा माँ की चमत्कारी मूर्ति, घी की अखंड जोत, अंधारिया ओबरा में नवचक्र, बड़ की बोरी, वट पुष्करणी और शेषनाग की बांबी यहाँ का दर्शनीय स्थल है। यहाँ प्रत्येक रविवार को श्रद्धालु फूल पाती प्राप्त करने आते हैं। यहाँ पर कई ऐसे लोग जो विकलांग, नेत्रहीन या बीमार होते हैं, परिक्रमा लगाकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष की चैत्री व आशोदी नवरात्रि की दुर्गाष्टमी और श्रावणी हरियाली अमावस्या को मेले का आयोजन किया जाता है और हवन पूजा की जाती है, जिसमें भजन गायकों द्वारा स्वर लहरियां बिखेरी जाती है। जागरण नवरात्रि की सप्तमी को प्रारंभ होकर अष्टमी को प्रातः 5 बजे तक किया जाता है। एलवा माता मंदिर और एलवा माता की पहाड़ी पर से सर्वे ऑफ इंडिया का जो तो सर्वे हुआ था वो यही इसको केंद्र बिंदु मानते हुए तो यहीं से सर्वे हुआ था। और इस प्रकार से इतिहासकारों ने भी इस बात के लिए बताया है कि जब नाथद्वारा के पास रुकमपुरा की छापड़ में तात्या टोपे और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस समय तात्या टोपे की कुछ हार होती हुई देख करके यहाँ घना जंगल होने से तात्या टोपे ने आकर के यहाँ ही शरण ली थी, एलवा माता की पहाड़ी पर ही शरण ली थी। उसके बाद में फिर जो तो फौज को इकट्ठा करके जो तो फिर अंग्रेजों को मुकाबला करने के लिए उसने यहीं से बैठ करके तैयारी की है। फिर एक जो तो इस प्रकार से एलवा माता की स्वयं कहीं इसकी प्रतिष्ठा का हवाला आज दिन तक नहीं मिला है। केवल एक महिला के रूप में आकर के बने बनाए हुए मंदिर के अंदर स्वयं महिला के रूप में आकर के प्रवेश हुई है और अपना बिल्कुल जो है तो पाषाण रूप धारण करके, विकराल रूप धारण करके अंदर विराजमान हो गई है मंदिर के अंदर। जब से यहाँ कोई दुखी व्यक्ति अपने अनेक तरह की बीमारी लेकर के आते हैं, अनेक तरह के जो है तो पीड़ित लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएँ जो है तो हर तरह से पूरी होती है। गुजरात, MP, इधर जो तो जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, विजयनगर, दूर दराज के लोग जो तो हमेशा यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। पूरे साल भर में अपने रहते जगह पाठ प्रसादियाँ वगैरह सब जो तो होते रहते हैं। महान धार्मिक स्थान है, पर्यटक स्थल नहीं है। यहाँ का पर्यावरण इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि यहाँ आकर के लोग जो है तो अपने घर घर से उभर करके जो तो बड़े सुख की अनुभवी प्राप्त करते हैं। अध्यक्ष साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एलवा माता जी स्वयं प्रकट विराजमान हुई है और ये कहाँ से आई है, थोड़ा सा आपको अगर पता हो तो आप बताएं ये कहाँ से आई है और यहाँ पर विराजमान हुई है। इस एलवा माता मंदिर के संबंध में मुझे मुग्ध में लड़ते लड़ते सन 1985 से आज दिन तक 37 वर्ष हो चुके। लेकिन जब हमारे हम किसी के जाति समाज या किसी एक व्यक्ति किसी के खिलाफ में हम सिविल कोर्टों में नहीं गए बात करने के लिए। हमारे खिलाफ जिन लोगों ने बात किया है उनने जो है तो हमने ये कोशिश की है कि भाई मंदिर किसने बनाया, माता जी कहाँ थी, किस जाति समाज से थी और महिला के रूप में आई, कैसे आई, नहीं आई, सारे तथ्यों को हमने निचोड़ मरोड़ करके सभी जाति समाजों को खंगाल लिया है। लेकिन ये प्रमाण कहीं नहीं मिला है कि ये मातेश्वरी किस जाति समाज से है और जो है तो मंदिर किसने बनाया है। इसलिए जो है तो सिविल कोर्टों ने जो है तो इसको सार्वजनिक टेम्पल, समस्त हिंदू समाज का सार्वजनिक टेम्पल घोषित कर दिया है, जब से ये सार्वजनिक मंदिर माना जा रहा है। मैं एक और पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो माता जी स्वयं विराजमान हुई है
तो यहाँ पर किस किस तरह के मतलब प्रसादियाँ होती है, रात्रि जागरण होता है या कोई भाव वगैरह होते हैं इस मंदिर में? नहीं, यहाँ पर जो है तो किसी भोपाल बल्ले को भाव नहीं होते हैं, केवल फूल पाती से श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए स्लिप लिख करके पाठ पर रख देते हैं और जो तो जगदम्बा उसके ऊपर जो तो फूल दे देती है, इसी से इन लोगों की आस्था जुड़ जाती है कि भाई मातेश्वरी हमारा काम कर देगी और ये वो काम हमेशा पूर्ण होता है। इसी आस्था से लोग जुड़े हुए होते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित होकर के व्यक्ति यहाँ आता है, यहाँ पर रहता है। और एक तो बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि अपने जो है तो एक गुलाब नाम का जो व्यक्ति था, जो तंटकार था, गायक था, लेकिन मुँह से मुक्त गिर था, बोल नहीं सकता था। तो जब यह रात्रि में आया, पुराने समय की बात है, बिल्कुल प्रत्यक्ष हमारे बाप दादाओं ने देखा हुआ है ये मामला, तो जो है तो कहा कि मातेश्वरी अगर आज मुझे जबान देती तो मैं भी यह कुछ कहता। तो इस लक्ष्य से जो तो उसने अपनी जबान काट करके माता जी के चरणों में अर्पित कर दी थी। तब लोगों ने देखा कि भी ये तो खूना खतर हो गया, खून खराबा हो गया, उसको एक कमरे में बंद कर दिया था। सुबह 5 बजने के बाद में उस गुलाब के दुई जबान आई और उसने जो है तो प्रभाती रात को गाया था उस समय, और वो प्रभाती आज भी जो है तो नवरात्रि में गायक लोग जो है तो प्रभाती गाते हैं मातेश्वरी की, और जो तो आनंद मंगल होता है।